वेलकम टू डेली न्यूज़ 24। सीएल उड़ारिया की कहानी में अब आपको काफ़ी बड़ा धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर तेजो और जैस्मिन के बीच होने वाले है काफ़ी बड़ी टकरार। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर आप देखेंगे तेजो बीजी की वजह से अपना फैसला बदल लेती है और वो फतेह के घर में रुकने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इसी के बाद यहाँ पर तेजो और जैस्मिन के बीच काफ़ी बड़ी तकरार होती है, क्योंकि यहाँ पर जैस्मिन फतेह के कमरे पर अपना हक जमाती है। वहीं तेजो भी जैस्मिन को करारा जवाब देती है और उसे बोल देती है कि वो किस कमरे पर अपना हक जता रही है, जिसकी दीवारों पे कलर तक उसकी पसंद का है। और यहाँ पर तेजो की बात सुनकर जैस्मिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दीवार को पूरी तरह से ख़राब कर देती है। तभी इसी बीच वहाँ पर फतेह आ जाता है और फतेह को देखकर जैस्मिन उससे झूठ बोलने लगती है कि ये सब उससे गलती से हो गया है, उसने जानबूझकर दीवार ख़राब नहीं की है। और ये बातें सुनकर फतेह समझ जाता है कि जैस्मिन झूठ बोल रही है। वहीं यहाँ पर तेजो फतेह को ये समझाती है कि जल्दी उसके सामने जैस्मिन का सच आएगा, जैस्मिन का असली चेहरा उसके सामने आएगा और उसकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। और यहाँ पर तेजो की इन बातों से फतेह काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। वहीं इसी के बाद यहाँ पर जैस्मिन फतेह पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है कि उसने तेजो को उनके कमरे में क्यों रहने दिया। और यहाँ पर जैस्मिन की बात सुनकर फतेह भी जैस्मिन को समझा देता है कि वो बार बार क्यों तेजो से पंगे लेने की कोशिश कर रही है, अगर उसे कुछ करना है तो उसके परिवार का दिल जीतने की वो कोशिश करे। और यहाँ पर फतेह की बात सुनकर जैस्मिन ने ठान लेती है कि वो फतेह के परिवार का दिल जीत के रहेगी। अब देखना दिलचस्प होने वाला है, क्या यहाँ पर जैस्मिन कामयाब हो जाएगी फतेह के परिवार का दिल जीतने में। देखना इंटरेस्टिंग होगा। सीएल उड़ारिया जुड़े अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें।